हेलो एंड वेलकम टू द लीगल ऑब्जर्वर। सुप्रीम कोर्ट की डांट का असर हो गया है एसबीआई पर। 3 महीने मांगे थे और कहां एक दिन में अब जानकारी इलेक्शन कमीशन को पहुंचा दी गई है। अभी इलेक्शन कमीशन ने कुछ देर पहले ट्विटर पे इस बात की कंफर्मेशन की कि उसको एसबीआई से वो सारी जानकारी बॉन्ड्स की, चुनावी बॉन्ड की, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था, वो सारा डेटा इलेक्शन कमीशन के पास आ गया है। है ना जादू, चमत्कारी हो गया ये तो। ये पुरानी कहावत है ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, या डंडे का जो असर है वो बातों से कहाँ होता है। तो अब खैर, देश को तो इस बात से मतलब है कि जो जानकारी देश के सामने आनी चाहिए वो आ जाए। अब वो सुप्रीम कोर्ट के डर से आए, एसबीआई को अपने कर्तव्य परायणता का एहसास हो, आनी चाहिए। तो अभी जानकारी अब इलेक्शन कमीशन के पास है, तो बॉल अब किसके खाते में है? वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खाते में। अब इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश कि 15 मार्च शाम 5 बजे तक इलेक्शन कमीशन को ये जानकारी अपने पोर्टल पर, अपनी वेबसाइट पर जारी करनी है, रिलीज करनी है। तो देश को अब इंतज़ार है 15 मार्च शाम 5 बजे का, कि 5 बजे के बाद तमाम लोग जानना चाहेंगे, देखना चाहेंगे कि ये जो जानकारी जिसको एसबीआई छिपाना चाह रहा था, जिसके लिए एसबीआई ने इतना प्रपंच रचा, चोटी के वकील हरीश सालवे जी, उनको लगाया गया और हरीश सालवे साहब ने तमाम तरह की दलीलें दी। सुनी थी आपने ना दलीलें? नहीं सुनी तो भी हम आपको दिखलाएंगे इस वीडियो के बाद। आप जरा देखिएगा इस वीडियो के आगे कि क्या क्या दलीलें उन्होंने नहीं दी हरीश सालवे साहब ने, और कैसी कैसी दलीलें थीं। तो उम्मीद करते हैं हम कि देश के सामने ये जो 16,000 करोड़ से ज़्यादा का जो ये घोटाला, क्योंकि अब इलेक्शन बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट से असंवैधानिक, इलीगल घोषित कर दिया था और ये पूरी योजना निरस्त कर दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसके बाद ये सारा मामला विवादों में आ गया और कोशिशें हुई कि डेटा सामने ना आए, क्योंकि सर पर इलेक्शन है और राजनीतिक दलों की ये चिंता बहुत स्वाभाविक है कि अगर राज खुल गया तो फिर कैसे जस्टिफाई करेंगे। तो अब उम्मीद करते हैं कि 15 मार्च शाम को 5 बजे के बाद देश के सामने उस तमाम सारी जानकारियां होंगी, उसी तरह से होंगी जैसे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। फिलहाल इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ इतनी बात कही है कि उनको एसबीआई से डेटा मिल गया है। खैर, इसकी तो उम्मीद भी थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो कल ही अपने इसमें कह दिया था कि यदि आज की जो डेडलाइन है उसमें डेटा नहीं मिलता तो फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई शुरू हो जाती। वो खतरा आज भी है, नोटिस पे है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश में था कि उन्होंने एसबीआई के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर को नोटिस पे रखा है, उससे एफिडेविट उन्होंने लिया है। तो जाहिर है कि इलेक्शन कमीशन से ये कन्फर्मेशन तो आनी ही थी। अब डेटा कितना मिला है, पूरा मिला है, आधा मिला है, अगर पूरा मिल गया है तो फिर ये सवाल देश के लोगों को तो सोचना ही पड़ेगा ना कि अगर ऐसा था तो कौन सी मजबूरी थी, वो किसका दबाव था। ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं है वैसे, ये समझ में तो आ ही रहा है सबके, बट फिर भी कि एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट के सामने ये जो बहाना बनाना पड़ा था 30 जून का, फिर तो ये स्थापित हो गया ना कि इसके पीछे सीधा सीधा मकसद इलेक्शन तक इसको टालना ही था। और इसमें किसका इंटरेस्ट हो सकता है भला, समझदार हैं आप लोग, समझ ही गए होंगे, मुझे बताने की क्या ज़रूरत है। इसको देश में कोई ऐसा है क्या जिसे ना मालूम हो, है ना, बात वो पब्लिक है, ये सब जानती है। तो है इंटरेस्टिंग कि देश के चोटी के वकील हरीश सालवे जी, एक बार नज़र जरूर डालिएगा, इंटरेस्टिंग है किस तरह से उन्होंने दलीलें दी। मतलब सोच के भी हैरानी होती है कि हरीश सालवे जी, जो देश के सॉलिसिटर जनरल रह चुके हैं, देश के ही नहीं दुनिया के
इस समय नामी वकीलों में उनकी गिनती होती है, खैर उनका तो धंधा है वकालत, तो उन्हें तो अपने मुवक्किल को डिफेंड करना ही है। अब उसके पीछे भले ही कोई राजनीतिक इंटरेस्ट भी रहा हो, बट एज ए लॉयर उनका तो ये काम है। तो क्या तरीके से उन्होंने, कितना बताया उन्होंने कि साहब दो साइलोज में हैं, एक ए है एक बी है और सील्ड कवर में है और वो मेन ब्रांच में रखा है, माई लॉर्ड उसको मिला नहीं सकते। सुनिए आप उसको जो उन्होंने कहा है, अगर मिला देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, हमको बड़ा सावधानी से, तो 3-4 महीने तो हमें लगेंगे, हम सब दे देंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, देना तो अभी पड़ेगा और ऐसा कुछ नहीं है, आपके पास सील्ड कवर में खोलिए उसको दे दीजिए, तो फिर जवाब नहीं था सालवी साहब के पास। तो फिर वो हक्का बक्का हो गए, मतलब वो विजुअल आप देख लेंगे तो समझ आ जाएगा। तो ये अच्छी खबर है देश के लिए, बहुत ही अच्छी खबर है। अब 3 दिन का और सब्र करना पड़ेगा देश को, ताकि सामने सच आ सके, वो सच जो एक वोटर के तौर पे, एक जागरूक मतदाता के तौर पे आपको इस बात का अधिकार देगा, इस बात की जानकारी देगा कि आप चुनाव कर सके, सही चुनाव कर सके। आपके सामने, देश के सामने ये जो क्विड प्रो की कहानी है ना, कि किसको मिला, किसने दिया, उसके बदले में क्या मिला, ये सारी चीज़ें भी आएंगी, चेन जुड़ेगी तो बात निकलेगी, तो फिर दूर तक जाएगी। तो पहला कदम तो उस तरफ बढ़ा है, पारदर्शिता की तरफ, और उम्मीद करते हैं कि 15 मार्च को, अब अभी कहीं ना कहीं ये भी एक मन में है कि कहीं इलेक्शन कमीशन के पास तो कोई दाव पेच नहीं है इसको रोकने के लिए, लेकिन लगता नहीं है कि जो तेवर सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन दिखलाए हैं कल अपने जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने, और जिस तरीके से पूरी जुडिशरी वेल इन्फॉर्म्ड थी, उनकी तैयारी आप देखिए पूरी तरह से तैयार थे एक एक मुद्दे पर, और इधर सालवे साहब ऐसा लग रहा है या तो वो तैयारी नहीं करके आए थे, या फिर SBI ने उन्हें बताया ही गलत, या फिर ये उनका वकालत का हुनर था जिसके जरिए वो चाहते थे मामले को उलझा के, कॉम्प्लिकेट दिखा के, कॉम्प्लेक्स दिखा के टाइम बाय आउट करना। फिलहाल ये बात तो अब अतीत हो चुकी है, इस पर चर्चा करना व्यर्थ है। अब तो 3 दिन बाद इलेक्शन कमीशन की जो पिटारा खुलेगा, जिसमें सबके नाम होंगे, उसके साथ पूरा ब्यौरा होगा, और फिर देश जानेगा ये जिसे छुपाने की कोशिश हो रही थी वो क्यों हो रही थी, वो क्या मकसद था। बात तो कुछ होगी ना, ऐसा तो नहीं हो सकता, वो अब सामने आएगी। लीगल ऑब्जर्वर में हम ये बहस क्यों कर रहे हैं, क्या मकसद है हमारा? एक ही मकसद है कि देश में जो लोकतंत्र है वो स्वस्थ हो, सशक्त हो, आगे बढ़े। हमारी जो अगली पीढ़ी है, आज जिस युग में हम इंटरनेट के, सूचना के, उस पीढ़ी का सबसे ज़्यादा युवा है हमारे देश में जो वोटर्स हैं इस समय, और हम दुनिया की सबसे तेज़ी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। तो ऐसे में हमारे वो वोटर अपने वोटिंग राइट का सही तरीके से इस्तेमाल करें, यही हमारी कोशिश है, और इसी के लिए लीगल ऑब्जर्वर ने ये मुद्दा उठाया और आपके सामने रखा है। हम अपने इस चैनल पर कानून, न्याय और न्याय व्यवस्था से जुड़े तमाम खबरें, मुद्दे, बहस, विश्लेषण आपके सामने रखते हैं। हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने कमेंट से हमें ज़रूर अवगत कराएं, हमें बताएं कि आप किस तरह की वीडियो, किन सब्जेक्ट के देखना चाहते हैं। तो फिर हम हाजिर होंगे आपके पास, आपको बताएंगे, जानकारी देंगे। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।